अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज बार है मंगल यानी ट्यूसडे। तो आज पहले आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर की मंजर दिखाएंगे, फिर आपको लेके आएंगे दरगाह शरीफ की बाहर का भी मंजर आपको दिखाएंगे। और आप लोग हमें फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज में भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको फेसबुक के ज़रिए से भी दरगाह शरीफ ज़ियारत हो सकते हैं। तो चलिए कैमरा घुमाते हैं और आपको सीधे लेके चलते हैं दरगाह शरीफ की बाहर। बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए आप लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशी का ने फौजा गरीब नमाज। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। आज बार है ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो पहले आज आप दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, आप लोग दुआएं मांग लीजिए। देखिए बाबा के गुम्बद दिखा रहा हूँ शाहजहानी मस्जिद से, और रोज़ की तरह आज भी दिखा रहा हूँ। आप लोग ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए बाबा के दरबार से। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। देखिए ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। आइए और ये देख लीजिए आज शाहजहानी में कितना ज़ायरीन है, कैसे लोग बैठ के इबादत कर रहा, दुआएं मांग रहा। गुम्बद की तरफ निगाह करके देख सकते हो आप लोग। और ये देखिए बाहर से आने जाने का 10 नंबर गेट इधर है। तो आइए आप इधर से अम्माजन के दरबार शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, बाबा फरीशा के चिल्ला शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए अम्माजन के दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए आप लोग। और ये देखिए बाबा फरीशा के चिल्ला शरीफ। चलिए फिर आगे ले चलते हैं। ये शाहजहानी मस्जिद है, और इसी शाहजहानी मस्जिद में हमें कल कोई सब्सक्राइबर मिला था, तो उनको वीडियो भी है, तो वो वीडियो मैं इस वीडियो को ऐड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो देख सकते हो हमारी हजरत सब्सक्राइबर हमारी सब्सक्राइबर है, और मोहम्मद फरीद साहब ने इनको भेजा है जो मुमरा से मुंबई से है। माशाल्लाह फरीद भाई भी हमारी सब्सक्राइबर है, और फरीद भाई ने हजरत को भेजा है और दरबार शरीफ आया और हमसे मिला है इंशाल्लाह। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हजरत हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और मोहम्मद फरीद भाई जो हमारी फ्रेंड है, जो हमारी सब्सक्राइबर है, जैसे आपको बताया जो मैं उनसे मिल रहा, तो उनके बाद उसके बाद कैसे लगा आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतना नहीं देखता था, लेकिन जो फरी शेख साहब है जी जी, वो रेगुलर मुसलसल आपके वीडियोस देखते हैं और रोजाना बिना नागा देखते हैं, और उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया कि आप अगर अजमेर शरीफ जाओ तो ये भाई से जरूर मिल लेना। बोले एक बार, बोले मैं भी जाऊँगा तो मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा, लेकिन आप तो मेरा सलाम कह देना उनको और कह देना कि मैं उनका वीडियो रेगुलर देखता हूँ करके। जी जी माशाल्लाह। तो मैं भी गरीब नवाज के दरबार में दुआ करूंगा जो गरीब नवाज फरीद भाई को बहुत जल्दी से जल्दी दरबार में बुला ले और अपने कदमों में हाजिरी लगाए, उनको हाजिरी लगवाए। तो हजरत ने इस बच्चे को साथ आया है, देखे दो बच्चा भी है माशाल्लाह, ये सभी हमारी सब्सक्राइबर है, हमारी फ्रेंड है माशाल्लाह। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं और कुछ बोलेंगे आप? बस मैसेज क्या देना, बस सरकार सभी आशिकों की हाजिरी कबूल करे जी, और अपने आशिकों के साथ के हम गुलामों को भी हाजिरी कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे मिलने के लिए इंशाल्लाह, और आप लोग भी इस तरह हमसे मिल भी सकते हैं। जी जी शुक्रिया, और आप लोग भी आके हमसे मिल सकते हैं। आइए ये देखिए आस्था से कुछ 4 नंबर गेट, ज़ियारत कीजिए इस गेट को भी। और आप लोग हमें फेसबुक पेज में भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज में भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ये देखिए 4 नंबर गेट, इसी गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं आस्था शरीफ। तो आप लोग हमें फेसबुक में भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जो आप लोग अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमें फेसबुक पेज में भी फॉलो करके फेसबुक में आप दरगाह शरीफ ज़ियारत कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए से। ये देखिए जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए। आज मंगलवार के दिन है, ट्यूसडे है, आज थोड़ा भीड़ कम लग रहा है इधर की तरफ से, देखता आगे देखता हूँ कैसे भीड़ है। तो इंशाल्लाह गरीब नवाज की दरबार जो है ये फैज़ की दरिया है, इंशाल्लाह इस दरबार से ज़ियारत के बाद कोई खाली नहीं जाता है बेशक।
आइए ये देखिए आस्था शिव का 3 नंबर गेट अंदर जाने का गेट है। देखिए किस तरह जाए अंदर जा रहा है, तो आप भी ज़ियारत कीजिए और यहाँ के मंजर देख लीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं, हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए हमारे वीडियो द्वारा, दुआएं मांग लीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, और आप लोग हो सके तो फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। पेज का जो आईडी मैं स्क्रीन में मेंशन कर रखा है, ये पायती से दुआ मांग लीजिए आस्थाना शरीफ में। देखिए आज पायती का मंजर कैसा है, और पायती से भी ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर कव्वाली चल रहा है, देख सकते हैं। देखिए स्पाइटी का पूरा नज़ारा, यहाँ पर कितना जारी है, कैसे आगे चाल फल है देख सकते हो। आइए तो पायती से भी अब गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं आताई नूर में, बना रही है वीडियो पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। ये देखिए आताई नूर की मंजर देख लीजिए, देखिए जाता है रूप में कहाँ पर कितने जारीन है, कैसे लोग इबादत कर रहे हैं देख लीजिए, और आप भी दुआएं मांगिए ज़ियारत कीजिए। ये आता है नूर है, अभी यहाँ पर कव्वाली वाला तैयारी हो रहा कव्वाली गाने के लिए, तो आइए अभी अब आता है नूर से आस्था से ज़ियारत कीजिए और यहाँ के मंजर भी देख लीजिए। आइए सुभान अल्लाह। देखिए आज आता है नूर में कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा इस कतार नहीं है देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे से दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, कव्वाली शुरू हो गया यहाँ पे। देखिए माशाल्लाह आज का मंजर कैसे है दरगाह शरीफ के अंदर, ये आताई नूर का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए फिर आपको बाहर ले चलता हूँ, आताई नूर से बाहर लेके चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आइए ये देखिए आम आदमी के दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए दर से भी। और ये है संदली मस्जिद, आ गई ये देखिए बुलंद दरवाजा, और ये है वजू खाना की मंजर, यहाँ पर आज कितना पब्लिक है कैसे वजू बना रहा है देख सकते हो आप लोग।
देख लीजिए यहाँ की पूरा मंजर आप लोग देख लीजिए। ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट है। देख लीजिए आज मंगलवार का दिन है, कितने जायरीन आए हुए हैं दरगाह शरीफ जियारत के लिए। देख सकते हैं बुलंद दरवाजे के नीचे कुछ लोग हैं जो जियारत के लिए आ रहा है, और सार में टोकरे रखा हुआ फूल की टोकरे हैं देख सकते हो। ये देखिए बड़ी डेग है, ये देखो बड़ी डेग है। और इधर देखिए आप छोटी देग, देखिए माशाल्लाह देखिए किस तरह लोग झुंड बना के जियारत के लिए आए हैं लोग, तो ऐसे सब झुंड बना के आता है। ये बुलंद दरवाजा के नीचे है देख सकते हो, सरदार जी लोग है पंजाब से आए हुए हैं। चलो चलो फिर आगे ले चलते आपको, यहाँ से एक बार और पीछे दिखा देता हूँ आपको, बाबा की गुम्बद भी यहाँ से देख लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये देखो आज की ये मंजर है, तो आप लोग ये देख सकते हो ये बाहर जाने का मेन गेट है, और ये बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट है आप लोग देख सकते हो। और आप इधर देख लीजिए अकबरी मस्जिद, ये है अकबरी मस्जिद। चलिए फिर आगे ले चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए ये मेन गेट है, इसलिए मैं इसी गेट को आपको रोज रोज दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जो रोज कितना पब्लिक दरगाह शरीफ के अंदर है, आ रहा जा रहा है, वो आपको ये गेट देखने के बाद पता लग जाएगा। बाकी जो गेट है वो बहुत कम आदमी अंदर आना जाना करता है, जो ये देखिए बैग लेके अंदर आने का परमिशन नहीं है देख सकते हो, ऐसे बड़ा बैग लेके आना अंदर परमिशन नहीं है, कुछ चेक इन करवाया जाता है यहाँ पर। अगर आप कुछ लंगर लियाज लेके आते हैं तो यहाँ पर पुलिस से चेक इन करवाना पड़ता है, लेकिन पुलिस रोक के चेक इन कर रहा है देख सकते हो। चलिए फिर ये मेन गेट से दरगाह बाजार देख लीजिए, माशाल्लाह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा है, जब भी आप लोग आते हैं तो मेन गेट से कोई बड़ा बैग लैकेज लेके अंदर आप जा नहीं सकते हैं। अगर कोई लंगर लियाज वगैरह लेके जाते हैं तो पुलिस से आप चेक इन करवा के बात करके जा सकते हैं। ये देखिए नाला बाजार से आने जाने का रास्ता है, जो रेलवे स्टेशन है इसी रास्ते से आप आते हैं। इस रास्ता के मंजर भी आप लोग देख लीजिए, आज मंगलवार के दिन है। और इधर देखिए आप 2.5 दिन के झोपड़ा तारागढ़ जाने वाला रास्ता की मंजर, और ये देखिए आप दरगाह बाजार। तो माशाल्लाह दरगाह बाजार में भी आज भीड़ है, आप देख सकते हो आज बार मंगल है लेकिन फिर भी जायरीन कितना है आप लोग देखिए। आइए सुभान अल्लाह, ये देखिए मेन गेट। तो आज आपको इसी गेट से बाहर लेके आया हूँ जियारत करवाते हुए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोग हमें फेसबुक पेज में भी फॉलो कीजिए। ये देखिए।